वेलकम दोस्तों, कंपटीशन से भरी इस दुनिया में अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सोशल मीडिया से आप परेशान हो चुके हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखो और आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको सोशल मीडिया से बचना है। अपनी रियलिटी को खो करके काल्पनिक दुनिया में रहने वाले स्टूडेंट इस वीडियो को एंड तक देखें। आइए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। दोस्तों ध्यान से देखो इस चूहे को, जो कि पिछले 6 घंटों से भूखा प्यासा लाचार अवस्था में इस जाल में बंद है। इस समय इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कि क्या सोच रहा होगा कि थोड़ा सा यार व्हाट्सएप यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम यूज़ कर लेते हैं, देखते हैं आखिर फेसबुक पर दोस्त क्या कर रहे हैं। नहीं, इस समय इसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही है, किसी तरीके से मुझे आज़ादी मिले। बीते 6 घंटों में इसने अपना सभी पूरा 100% एफर्ट किया होगा, हर एफर्ट में अपना 100% दिया होगा कि किसी तरीके से ये जाल टूट जाए और मैं इस जाल से आज़ाद हो जाऊं। लेकिन इसकी सभी कोशिशें नाकाम रही, ये अपनी सभी कोशिशों में नाकाम रहा और 6 घंटों के अंदर यह कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि एक लोहे के पिंजरे में बंद है। इसके दांत इतने मजबूत, इतने नुकेले नहीं है कि इन लोहे के पिंजरे को, इस जाल को तोड़ सके। दोस्तों इसी तरह से हर स्टूडेंट की एक लाइफ होती है। हो सकता है कि मैं इस चूहे को आज़ाद कर दूँ, इसको खिला पिला कर आज़ाद कर दूँ, लेकिन तुम्हें आज़ाद करने वाले सिर्फ तुम हो। तुम्हें आज़ाद करने वाले, खुद को आज़ादी दिलाने वाले तुम खुद हो। इसको तो मैं आज़ाद कर दूंगा, इसकी टेंशन मत लेना, बट अपनी टेंशन लो, तुम्हें कौन आज़ाद कराएगा, क्योंकि तुम्हें आज़ाद कराने वाले तुम खुद हो। क्योंकि तुम्हें भी सक्सेसफुल होने के लिए एक कंसंट्रेशन पावर की ज़रूरत है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। क्या इस समय से कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर सकती है? क्या आपको लगता है कि क्या कोई भी फेसबुक, कोई दोस्त, कोई प्यार, कुछ भी चक्कर हो क्या उससे ये समय इसके बारे में सोच रहा होगा? क्या कोई इसे डिस्ट्रैक्ट कर रही होगी ऐसी चीज़ जो इसको हटा सके कि चलो ठीक है मैं इस पिंजरे को ना तोड़कर इसके बारे में सोचता हूँ? नहीं, इस समय इसने अपनी सभी कोशिशें, अपना हर कोशिशों में 100% दिया होगा, लेकिन ये नाकाम रहा। दोस्तों हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप इस पिंजरे को कभी ज़िंदगी में तोड़ ना पाए। इसीलिए दोस्तों कहता हूँ कि तुम्हारा जो भी सपना है, तुम्हारा जो भी टारगेट है, उसे प्राप्त करने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े करो। हो सकता है जो जुनून, जो हौसला, जो जज्बा तुम्हारे अंदर आज है वो कल रहे या ना रहे। इसीलिए कहता हूँ जितनी मेहनत करनी है वो आज करनी है, कल का कोई टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। जितनी मेहनत करनी है वो आज करनी है, क्योंकि अगर आज आपने छोड़ दिया तो कल आपको हो सकता हो पछतावा हो कि आप शायद उस समय ये काम कर सकते थे जो कि आपने नहीं किया। शायद यार उस समय मैं मेहनत कर लेता तो ज़िंदगी कुछ और होती। कभी सोचा है तुम्हारे माँ बाप तुम्हें क्यों डांटते हैं, क्यों कहते हैं कि बेटा ये मत कर, वो मत कर, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ मत कर? बड़ा बुरा लगता है ना जब माँ बाप बोलते हैं कि पूरे दिन फेसबुक पर लगा रहता है मेरा बच्चा, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका परिणाम क्या है। वो उन परिणाम, उन परिस्थितियों से गुजर चुके हैं। वो तुमसे गिड़गिड़ाकर, तुमसे रोकर नहीं कह सकते कि बेटा तुमको लेकर हमने बहुत से सपने देखे हैं। सक्सेस का रास्ता तुम्हारा अपना होगा, डिसीजन भी तुम्हारा अपना होगा। जो भी करना है वो आज करना है, क्योंकि कल कभी नहीं आता। तोड़ दो उन सभी जंजीरों को जो तुम्हारे और तुम्हारे सक्सेस के बीच में आ रही हैं। तोड़ दो उन सभी दीवारों को, उन सभी जंजीरों को जो तुम्हें सक्सेस होने से रोक रही हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपकी सफल जिंदगी के लिए उत्तरदायी होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इस चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 11th+12th के केमिस्ट्री के सिलेबस अपलोड किए जाते हैं।